हेलो दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे समांतर श्रेणी का एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैसे इसका बारहवां पद ज्ञात करें हम लोग। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एपी 2, 4, 6, 8 है ऐसे ऐसे, तो इसका बारहवां पद ज्ञात करें। तो इसे करने के लिए एक फॉर्मूला हम लोग का होता है, देखिए एक फॉर्मूला होता है हम लोग का, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब हम लोग का बारहवा पद निकालना है यानी ए एन निकालना है, तो कितना होगा? तो देखिए जहां भी वा आएगा उसका मतलब एन का पद, मतलब इसको हम लोग एन मानेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग का ए का मान तो दिया हुआ है ना, ए बराबर, देखिए ए बराबर मतलब पहला अंक हो जाता है, ए बराबर 2 हो गया। अब हम लोग को एन बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, बारहवा पद बोला है तो बारहवा पद। अब डी निकालना रहता है तो डी बराबर होता है यानी अंतर होता है, अंतर होता है इसका मतलब 4 में से घटाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो इसका अंतर हम लोग का कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि अब हम लोग इस फॉर्मूला पर रखेंगे। ठीक है, तो देखिए ए एन बराबर इस फॉर्मूला पर रखेंगे हम लोग, ए एन बराबर एन, ए बराबर ए है तो ए, प्लस है तो प्लस, एन बराबर कितना दिया हुआ है 12 माइनस का 1 इंटू डी बराबर कितना है 2, तो 2 लिख देंगे यानी 2 प्लस इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 11 दूना 22। यहाँ पे मान लीजिए घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा और गुणा में 2 है तो 2 यानी हो जाएगा 2 प्लस 11 दूना 22 यानी कितना हो जाएगा हम लोग का 24। यानी बारहवां पद हम लोग का कितना आएगा, तो बारहवां पद बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 24 हो जाएगा। ठीक है, बारहवां पद कितना हो जाएगा 24। तो इस तरह आप लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है ना समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी क्या चीज, समांतर श्रेणी को आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि कैसे ये निकलेगा, आराम से इसको बना सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।